हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपने किसी को पैसा दे दिया है और वो पैसा वापस नहीं कर रहा है तो उस पैसे को आपको वापस कैसे रिकवर करना है, उसके लिए आप कैसे सूट फाइल कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या लिमिटेशन है, सारी चीजों का खुलासा आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। लेकिन आपको पहले मैं बता दूं कि यदि आप किसी को पैसे देते हैं तो बिल्कुल भी खाली तरीके से केवल वर्बली बात करके उसको पैसा मत दीजिए। यानी कि आप कोई ना कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट जरूर लीजिए, जैसे कि आप प्रॉमिसरी नोट उससे बनवा सकते हैं, या फिर कोई आप एग्रीमेंट तैयार करवा सकते हैं, लोन एग्रीमेंट तैयार करवा सकते हैं, या इसके अलावा आप कोई एक चेक भी ले सकते हैं, उसे सिक्योरिटी चेक इतनी अमाउंट का ले लीजिए पोस्ट डेटेड, और वो आप अपने पास रख सकते हैं कि कल को यदि आपके साथ कोई बेईमानी हो तो आप वो जो चेक है उसको सेक्शन 138 में लगा करके उस पर मुकदमा फाइल कर सकते हैं, उस पर प्रेशर बना सकते हैं अपने पैसे को निकालने के लिए और पैसा निकलवा भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसीजर बताने वाला हूं कि किस तरह से आप इसके लिए सूट फाइल करते हैं और कैसे आप अपने पैसे को रिकवर जल्द से जल्द कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसे कोई पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अपना पैसा रिकवर करने के लिए आपको समरी सूट फाइल करना चाहिए अंडर ऑर्डर 37 सीपीसी। एक्चुअली जो समरी सूट होता है ये आपके टाइम की बचत करता है, क्योंकि जब आप नॉर्मल सिविल सूट फाइल करते हैं तो उसमें टाइम भी बहुत लग जाता है और पैसे भी बहुत लग जाते हैं। तो ऐसे केस में जो समरी सूट होता है वो हर तरह से फायदेमंद ही साबित होता है। अब दोस्तों, बात आती है कि ये जो समरी सूट होता है इसको फाइल करने की प्रोसीजर क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपोजिट पार्टी को एक लीगल नोटिस भिजवाना है। आप एक एडवोकेट हायर करके उसको लीगल नोटिस भिजवाएंगे, जिसमें आप उसको पूरी बात बताएंगे कैसे कैसे आपने पैसे दिए हैं, और उसकी आप जो है डिमांड करेंगे उससे कि ये पैसा मुझे वापस चाहिए, और इस नोटिस में उसको 15 दिन का समय दिया जाएगा कि इन 15 डेज के अंदर अंदर वो आपको पैसे वापस कर दे। अब यदि इन 15 डेज के अंदर वो आपको पैसे लौटा देता है तो बात वहीं खत्म हो जाती है, और यदि 15 दिन के अंदर अंदर भी वो आपके पैसे नहीं लौटाता है और ना आपसे कोई बातचीत करता है तो ऐसे केस में फिर आप उस पर केस फाइल करेंगे। अब दोस्तों, जब ये केस आप फाइल करते हैं तो इसके बाद कोर्ट से अपोजिट पार्टी को समन जाता है। अब ये समन जब उसको मिलता है तो उसके 10 दिन के अंदर उसे कोर्ट में अपियर होना होता है और वहां पर उसे अपना रिप्लाई भी देना होता है। अब दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि समन मिलने के बाद भी अपोजिट पार्टी कोर्ट में अपियर नहीं होती है। तो अगर ऐसा है कि अपोजिट पार्टी कोर्ट में अपियर नहीं हो रही है तो ऐसे केस में जो कोर्ट है वो डिक्री पास कर देता है, और ये जो डिक्री होती है ये अधिकतर आपके फेवर में रहती है, क्योंकि सामने वाली पार्टी तो आई ही नहीं कोर्ट के अंदर। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि समन मिलने के बाद सामने वाली पार्टी कोर्ट के अंदर आ जाती है, तो ऐसे केस में अब उसको अपना जवाब फाइल करना होगा। यदि वो जवाब भी फाइल कर देती है तो फिर उसके बाद एविडेंस दोनों पार्टीज को फाइल करने होंगे, कोर्ट सारे एविडेंसेज और आपका उनका जवाब और आपके द्वारा दाखिल किया गया दावा उन सबको मद्देनजर रखते हुए, उन सबको देखते हुए डिग्री पास करती है। और ये डिग्री किसके पक्ष में जाती है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किसका दावा ज्यादा मजबूत है। दोस्तों, समरी सूट को फाइल करते हुए आप अपने पैसे की डिमांड तो करेंगे ही, इसके साथ साथ आपको कंपनसेशन के लिए भी क्लेम करना है, क्योंकि आपको सूट फाइल करना पड़ा, आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपके पैसे वेस्ट हुए, तो आपको कंपनसेशन के लिए भी क्लेम करना है। इसके साथ साथ आपको वो लॉसेज एंड डैमेजेस के लिए भी आपको क्लेम करना है, और जो आपका इंटरेस्ट बनता है उस इंटरेस्ट के लिए भी आपको क्लेम करना है। अब दोस्तों, बात करते हैं टाइम पीरियड की, टाइम लिमिटेशन की, कि कितने टाइम के अंदर अंदर आप समरी सूट को फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, एक उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी को पैसे दिए और उसको कहा कि 6 महीने के बाद वो पैसे आपको वापस लौटा देगा, तो जिस दिन पर ये 6 महीने खत्म होते हैं उस तारीख से अगले 3 साल के अंदर अंदर आप समरी सूट फाइल कर सकते हैं। यानी कि इन 3 सालों के अंदर अंदर समरी सूट फाइल करना जरूरी है। यदि आप इन 3 सालों में समरी सूट को फाइल नहीं करते हैं तो उसके बाद आप उसको फाइल करने का अधिकार खो देंगे। इसलिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा इस पॉइंट को ध्यान में रखकर ही चलना है। इसके साथ साथ दोस्तों, जब भी आप किसी को कोई पैसा देते हैं तो ये ध्यान रखिए कि केवल वर्बली आप कभी किसी को पैसा ना दें। उसके लिए उससे तो प्रॉमिसरी नोट ले लें या कोई चेक ले लें, और या फिर एक प्रॉपर लोन एग्रीमेंट आप बनवा करके तभी उसको पैसा दें, अदरवाइज पैसा ना दें। दोस्तों, आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और उसके बाद मेरी टीम आपको पूरा गाइड करेगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नए लीगल टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।